हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों बढ़िया ही रहना। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हम ये चेक करने वाले हैं कि आप अपनी बाइक का चार्जर, जिसको हम रेगुलेटर भी बोलते हैं, RR यूनिट भी बोलते हैं, इसको हम कैसे, क्या बोलते हैं, इसको चेक कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली इसको चेक करने के मतलब दो तीन तरीके हैं। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो ये है कि आप इसको घर पर कैसे चेक कर सकते हैं। कभी भी चार्जर खराब हो सकता है बाइक का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आया आधा धो तो आंख बंद करी और चार्जर ही बदल दिया। ना भाई साहब, ना ऐसा मत करा करो। ठीक है, तो हमेशा टेस्टिंग जरूरी है। और ये मैं आपको घर का तरीका बता रहा हूँ, कोई मल्टीमीटर की हेल्प नहीं ले रहे। ठीक है, और एकदम देसी तरीके से एकदम इसको सॉल्व करके मानिए, पता चल जाएगा क्या खराब है क्या नहीं। कुछ दिनों से पता नहीं मतलब बाइक में सेल्फ थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। ऑल दो बाइक स्टार्ट हो रही है, बस सेल्फ लेट से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका हॉर्न, मेरा बाइक का जो हॉर्न है बहुत धीमे धीमे बज रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको RR यूनिट की वर्किंग समझा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई इसको हम चेक कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये जो है मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये RR यूनिट होता है, एक्चुअल में आता हूँ ऐसा दिखता है, ऐसे रंग का ये RR यूनिट दिखता है। तो इसकी ये दो केबल होती हैं, ये वाली एक, तो ये वाली यहाँ से निकली हुई जिस पर रेड पर वाइट कलर की पट्टी है, और ये प्रॉपर लाल रंग की है एक, तो ये और एक है अपना ये। तो अपन को ये तो लाइटिंग के लिए, इसको हमको चेंज नहीं करना, चेंज का चेक नहीं करना, हमको देखना है इसको। ठीक है, तो बेसिकली RR यूनिट वर्क कैसे करता है, मैग्नेट से जो आने वाला जो करंट है, ठीक है, मैग्नेट से करंट निकलता है, वहाँ पर मैग्नेट लगी होती है, वहाँ से करंट आता है, तो वो सबसे पहले RR यूनिट में लगता है भाई साहब। ठीक है, अब RR यूनिट में, अब मैग्नेट से आने वाला करंट है वो तो AC करंट है, अपन को चाहिए DC करंट। तो ये जनाब क्या करते हैं, इसको DC में कन्वर्ट करके आगे बाइक में आगे पास करते हैं भाई। ठीक है, तो इसका सिंपल सा यही फंडा है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम का है नहीं है। अब जो करंट जो आता है ना, ये आप जो रेड में वाइट कलर की पट्टी देख रहे हैं, इसमें से तो करंट आता है, यानी कि वहाँ इससे, यानी कि ये इनपुट लाइन है, और ये वाली जो बिल्कुल लाल रंग की दिखाई दे रही है आपको, ये आउटपुट लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे, ये जो दिख रही है ना लाल में वाइट कलर की पट्टी, हम इसको चेक करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर इसमें आ रहा है तो समझ लो कि आपकी साइड से, मैग्नेट से आने वाली साइड से करंट ठीक है। तो अभी तो हम यही चेक करेंगे, तो एक बार मैं इसको लगा देता हूँ। और हाँ देख लो, मैंने बैटरी हटा रखी, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न में हो कि भाई साहब बैटरी लग रही है इसकी, तो ना, बैटरी के पूरे देखो टर्मिनल सब बिल्कुल अलग अलग लगे पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसमें इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको, अपनी टेस्टिंग लैंप बना रखी है मैंने, ये आप देखती है तो सबके घर में होती है, खैर ये टेस्टिंग लैंप मैंने बल्ब लगा रखा है, तो इसका एक हिस्सा तो मैंने नेगेटिव लगा रखा है और एक हिस्सा हम लगाएंगे इसके इस वाले तार में। तो एक बार मैं इससे अटैच कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ भाई ये इसकी इनपुट लाइन ठीक है कि नहीं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैंने नेगेटिव पे लगा दिया और ये मैंने इसकी देखो इनपुट लाइन में लगा दिया, जो वाइट में ये वाली पट्टी है, देख सकते हैं ये इनपुट लाइन है, ध्यान रखना। क्योंकि पहली सिंपल सी बात है, RR यूनिट आपका तभी काम करेगा जब इनपुट में करंट आएगा। अगर इनपुट में ही करंट नहीं आएगा तो आपको ये भी नहीं पता लगा सकते कि काम कर भी रहा है कि नहीं। तो अब मैं बिना वीडियो को कट करे हुए इसमें किक मारूंगा, और किक मारने पर ये बल्ब आपका जलना चाहिए। अगर ये बल्ब जल रहा है तो समझ लेना कि भाई साहब आपका बाइक का इनपुट ठीक है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बिना मतलब सेटअप करके किक मार दें इसमें। हाँ तो भाई लोग, अब इसमें मारते हैं किक। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि किक मारने पर ये बल्ब जल रहा है, दैट मीन्स कि इसकी इनपुट लाइन बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसकी आउटपुट लाइन। ठीक है, तो आउटपुट लाइन को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये जो आपको लाल रंग का वायर दिख रहा है यही इसकी आउटपुट लाइन है। और हम अगर हमें जैसे इसमें मैंने तार लगा, इसका तार निकाल के इसमें लगा दिया, फिर भी अगर आपका बल्ब जल रहा है तो समझ लो आपका काम ठीक है। अगर आपको ये नहीं चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, ये जो लाल वाला तार है ना, ये देखो यहाँ आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव में, ये बैटरी का अपना पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के पॉजिटिव में लगाते हैं और एक नेगेटिव में लगाते हैं। ठीक है,
हाँ तो भाई लोग, जैसे कि मैंने इस बाइक की सबसे पहले इनपुट लाइन चेक की थी, तो मैंने पता लगाया कि इसकी इनपुट लाइन ठीक है। अब हमें चेक करनी है आउटपुट लाइन, क्योंकि इनपुट लाइन से करंट जाएगा, ये अपना आधा यूनिट डीसी में कन्वर्ट करेगा, और ये जो तार है लाल वाला, इसको ये जो तार है यहाँ पर आता है, और ये बाइक के पॉजिटिव टर्मिनल में देता है। पॉजिटिव टर्मिनल में इसलिए देता है क्योंकि ये बाइक की बैटरी को चार्ज कर सके। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने देखो ये बिल्कुल हटा रखे हैं, क्योंकि इस केस में मतलब आपकी बाइक का डैशबोर्ड काम नहीं करेगा। देख सकते हैं चाबी ऑन है पर डैश काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डीसी पे चलता है। ठीक है, तो मैंने पूरे टर्मिनल हटा रखे हैं कंप्लीट। अब न्यू समझ लीजिए, जैसे मैंने ये वाला इनपुट में लगाया, अब ऐसे ही आपको वही पॉजिटिव वाला तार आउटपुट में लगाना है। तो मैंने, या तो आप यहाँ से लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, या आप डायरेक्ट बैटरी के एक को तो पॉजिटिव में लगा दो और एक को बैटरी के नेगेटिव में लगा दो। सबसे सिंपल तरीका है बाइक और आधा यूनिट चेक करने का, यही एक तरीका है। सबसे पहले इनपुट देख लो, फिर बाइक का एक, सॉरी बाइक का क्यों, एक टेस्ट लैंप का एक टर्मिनल बाइक के पॉजिटिव में लगा दो, एक लगा दो नेगेटिव में। ठीक है, और इन दोनों को हटा देना। आप चाहो तो इनको भी लगा के कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट चेक करने के लिए आप इनको भी हटा सकते हो आराम से। ठीक है, तो मैंने अब इन दोनों को हटा दिया है और यहाँ पर ये टर्मिनल का लगा दिया। अब किक मारने पर ये बल्ब जलना चाहिए, अगर किक मारने पर ये बल्ब नहीं जला तो समझ लो आपकी बाइक का आधा यूनिट खराब हो चुका है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नहीं तो मल्टीमीटर से भी चेक करने के तरीके, मल्टीमीटर हर किसी के घर पे होता नहीं है, तो देसी घरेलू उपचार यही है कि अब किक मारने पर ये बल्ब जलना चाहिए भाई। अगर ये बल्ब किक मारने पर जल गया तो समझ लो बाइक का आधा यूनिट कंप्लीट ठीक है, इसका मतलब मेरी बैटरी में दिक्कत है कुछ ना कुछ भाई, साफ सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब मैं इसको सेटअप कर देता हूँ और ये बल्ब देखना जलेगा और बाइक भी स्टार्ट होगी। उस केस में बाइक स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन इस केस में देख लेना बाइक स्टार्ट होगी। तो एक बार इसको और सेटअप कर लूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, अब लगाते हैं इसमें किक, और इसको जब हम इससे टच करेंगे ना, तो रेस देने पर ये बल्ब जलना चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर ये जल रहा है तो समझ लो भाई इस, ये आपका आर आई यूनिट आपका बिल्कुल ठीक है। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, देख सकते हैं बाइक अभी चालू हो गई है, और देखना बल्ब जलेगा, देखना देखो। और जैसे जैसे मैं रेस दूंगा ना, और ये देखो बल्ब और देखो बढ़ ही रहा है, देखो देखो। अभी मेरे इस बल्ब को इसलिए जोर से नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि करंट लग रहा है इसमें, देखो देखो। जैसे जैसे मैं रेस दे रहा हूँ बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अभी देखो बाइक अभी चालू है, देखिए मैं लगाऊंगा ना, मतलब इसको टच करूंगा तो बाइक बंद हो जाएगी, हो सकता है ना भी हो, देखो बंद हो गई। तो देखो जैसे ही इसको मैंने इससे टच किया तो इसमें हल्का सा अर्थ आया, दैट मीन्स कि आपकी बाइक का आर आई यूनिट इस केस में बिल्कुल ठीक है। तो आपको आर आई यूनिट चेंज करने का ऐसा कोई झंझटबाजी नहीं है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी, और सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आपको इनपुट यूनिट भी चेक नहीं करनी ना, तो जस्ट बल्ब को ऐसे टर्मिनल निकाल के दोनों पे बाजू में लगा देना और बाइक चालू करके देख लेना। अगर आपकी बाइक में ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी बाइक का काम हो रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, और अगर नहीं हो रहे हैं, एक सेकेंड लाइट कैसे चली गई, हाँ, और अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ लेना आर आर यूनिट की या तो कोई वायरिंग में दिक्कत है या कोई ना कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।